नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम आर पार। आज मैं इलेक्शन के ग्राउंड जीरो पर हूं, यानी देश की संसद के पास मौजूद हूं और आज यहां आपको मैं देश के सियासी मूड का जायजा भी बताऊंगा, क्योंकि मौसम के साथ साथ सियासी मौसम भी अब गर्म हो गया है, यानी सियासी पारा भी अब हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संपूर्ण वार करूंगा। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को समाप्त करना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस चुनावी बिसात के अंदर मछली और मटन की एंट्री भी हो गई है, यानी मुगलई सियासत भी जोरों पर है और टकराव जो है वो भी धुरंधरों का हो रहा है। तो देश की संसद के सामने से देश के इलेक्शन मूड का जायजा लिया जाएगा। स्वागत है आपका इलेक्शन के ग्राउंड जीरो से, न्यूज 18 इंडिया के मेगा इलेक्शन कवरेज से। अभिनंदन है आपका आज के इस कार्यक्रम में। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। बीते 5 वर्ष में इन लोगों को बेल लेने के लिए मजबूर किया है, बेल तक पहुंचाया है, अब जेल भी भिजवाने की पूरी तैयारी है। और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया। बीते 10 सालों से करप्शन के खिलाफ पीएम मोदी की हुंकार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो करप्शन में फंसने के बावजूद केंद्र पर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पर सियासत में उबाल है। सावन में लालू यादव और राहुल गांधी की मटन वाला वीडियो वायरल हुआ था और अब नवरात्र में तेजस्वी यादव के मछली खाने वाली तस्वीर पर बवाल मचा है। ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है, मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करप्शन के खिलाफ मोदी की तैयारी विपक्ष पर बहुत भारी पड़ने वाली है? आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो यानी देश की संसद के पास से होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी की ललकार भ्रष्टाचार पर आर पार। तो देश की सदन के प्रांगण से होगी आज की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले विश्लेषण जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने पर जोरदार एक्शन की चेतावनी है, तो विपक्ष कहता है आप कांग्रेस और आरजेडी मोदी को अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं, कारागार जेल की धमकी देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली का मैं वादा करता हूं। तानाशाही विपक्ष कहता है, तानाशाही का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। पीएम मोदी ईडी के एक्शन वाले सिर्फ 3% मामले नेताओं के साथ जुड़े हैं,
विपक्ष कहता है कि करप्शन के बहाने सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, यानी विपक्ष की टारगेटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विपक्ष साथ आया है रामलीला मैदान के अंदर, और विपक्ष कहता है कि जिन पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वो सभी दल आज आपके साथ खड़े हैं। यह विपक्ष की कहानी है। और बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या भ्रष्टाचार विपक्षी दलों में कॉमन फैक्टर बन चुका है और मोदी उसको पॉलिटिकली कैश कर रहे हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं नवल किशोर, किशोर जी के पास है सवाल और डाउट है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ वार कर रहे हैं क्योंकि वो 14 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार मौका दो मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 19 में आए तो उन्होंने बोला मैं इनको दहलीज तक ले आया हूं जेल की, और अब आप जब जेल की दहलीज पर के पार पहुंच गए यानी जेल पहुंच गए हैं, अब वो कहते हैं मैं पाई पाई वापस करवाऊंगा देश को। देखिए अमित जी, चुनाव का समय है और मोदी जी को चाहिए था कि पिछले 10 साल में जो उन्होंने वायदे किए उस पर हिसाब देने थे, लेकिन वो इस पर कोई बात अपनी कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास इस पर कोई जवाब है नहीं। जवाब क्या है और उसकी सच्चाई क्या है? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल एक सप्ताह पहले का न्यूज़पेपर है जिसमें 25 वैसे भ्रष्टाचारियों का लिस्ट है, उसमें से 23 लोग जिन पर ईडी छापा मारे, जैसे ही वो बीजेपी में गए उनका सारा केस वापस हो गया। तो ये तो सच्चाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और पूरे देश का एक एक लोग जानता है कि भ्रष्टाचार का आरोप तभी तक है जब तक लोग बीजेपी में नहीं जाते हैं। जैसे ही बीजेपी में जाते हैं भ्रष्टाचार के सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। और लालू यादव सजायाफ्ता कब हुए थे? लालू यादव सजायाफ्ता कब हुए थे आपके अनुसार, 10 सेकंड के अंदर? देखिए अमित जी, जब भी यह बात बोले तो आपको यह भी बताना चाहिए कि एक केस में सजा हुआ और सीबीआई कोर्ट से सजा हुआ जो कि निचली अदालत के बराबर है, उसके साथ साथ 5 केस बंद हुए, वो 2014 के बाद कैसे और क्यों खुले? सजा हुई ना, सजा कब हुई थी? नहीं नहीं, सुनिए तो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। चार और 5 केस जो बंद हुए थे वो क्यों खुले, और जब खुले तो अभी तक 10 साल में उस केस में अभी भी एक में पेंडिंग है, क्या कारण है? जिसमें फैसले पहले हुए थे डीए केस में उसमें सुप्रीम कोर्ट गए वहां से बरी हुए, ये सच्चाई है। आपने अपनी बात को रखा शहजाद पूनावाला, एक तो आप आम आदमी पार्टी के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, विपक्ष के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, क्या चाहते क्या हैं अब? अब तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, एलजी लगा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि इनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के माध्यम से हो तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव को पहली बार सजा हुई 2013 में, जेल गए 1997 में, जेएमएम पहली बार कन्विक्टेड 1990 में, समाजवादी पर पहला केस हुआ 2006 में, जिस प्रकार से डीएमके के मंत्री गए पहली बार जेल में यूपीए के जमाने में, टीएमसी के मंत्री गए जेल में यूपीए के जमाने में।